नमस्कार। एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लोग इसके उपाय ढूंढ रहे हैं, टीके ढूंढने की बात हो रही है, वैक्सीन ढूंढने की बात हो रही है, सैनिटाइजेशन हो रहा है, मास्क लगाकर उस वायरस से बचने के लिए लोग उपाय ढूंढ रहे हैं, इसके अलावा घरों में कैद भी हो चुके हैं। लेकिन धार्मिक विषयों में आस्था रखने वाले, ईश्वर में आराध को मानने वाले लोग, अपने अपने अल्लाह को मानने वाले लोग अपने अपने तरीके से लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आपने पिछली खबर में देखा होगा किस तरीके से पादरी विजय हरिशन ने परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना की थी। इस खबर में आप देखेंगे कैसे साईं नाथ से प्रार्थना की है साई मंदिर शाहमतगंज के पुजारी पंडित सुशील पाठक ने। इसके अलावा हम और भी दिखाएंगे आपको कि मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने भी अल्लाह ताला से दुआएं की हैं कि ये जो कयामत एकदम आफत बरस रही है आसमान से, अल्लाह ताला तो इससे हम सबको महफूज रख, पूरी इंसानियत को महफूज रख, यह भी आप सुनने को मिलेगा। जुड़े रहिए हमारी इस खबर से, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ओम साईं राम। बाबा, हमने आपके अनेक चमत्कार, अनेक घटनाएं देखी हैं, सुनी हैं, स्वयं हमारे ऊपर बीती है वो हमें मालूम है, और आपने कैसे कैसे संकटों से हमें बचाया है। इस समय पूरी दुनिया कोरोना रूपी महामारी से जूझ रही है, और इस महामारी से हमें लगता है कि आप ही बचा सकते हो। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी आपके दर पर आते हैं और सब आप सबकी रक्षा करते हो। बाबा, साईं सचित में हमने एक घटना को पढ़ा है, एक कथा को पढ़ा है कि किस एक समय सिडी में हैजा रूपी महामारी आ गई थी, और उस समय आपने उन सिडी वासियों को उस हैजा रूपी महामारी से कैसे बचाया। आटे गेहूं को आटा पिसवाकर सिडी की सीमा में चारों तरफ वो आटा की एक सीमा रेखा बना दी। उस रेखा के बाहर जो गया उसे हैजा हो गया, और उस रेखा के अंदर जो रहा उसे हैजा नहीं आया। बाबा, इस समय पूरी दुनिया कोरोना रूपी महामारी से जूझ रही है, सिर्फ हमें लगता है आप ही हैं जो इस कोरोना रूपी महामारी से सबको रक्षा कर सकते हो। बाबा, इस समय आप पुनः वही ऐसा कुछ करिए जिससे इस कोरोना रूपी महामारी से हम सबको मुक्ति मिले। क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, मीडिया के माध्यम से पूरे देश दुनिया को संदेश दे रहे हैं, बचाने के उपाय बता रहे हैं, परंतु हमें लगता है जब तक ईश्वरीय चमत्कार कुछ नहीं होगा, ईश्वरीय कृपा नहीं होगी, तब तक इस कोरोना रूपी महामारी से नहीं बचेंगे। जिस तरह से सिडी वासियों को हैजा रूपी महामारी से बचाया, बाबा आज पुनः इस कोरोना रूपी महामारी से बचाने की जरूरत है। हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं, यदि हमने कोई पुण्य फल प्रताप हमारा हो जिससे आपको लगता हो हमने आपकी पूजा की या आराधना की, तो उसी तरह से आज पुनः इस देशवासियों को उस कोरोना रूपी महामारी से बचाइए। ओम साईं राम। कोरोना वायरस जैसे मोहलिक मर्ज से बचने के लिए ये दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअददी मन सल्ला अलैहि व सल्ली अला मुहम्मदिन बिअददी मन लम युसल्ली अलैहि व सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा أن تصلي عليه وصلي على محمد كما ينبغي الصلاة عليه حق 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 أجب إسرائيل بحق يا معروسا يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا مفرح المحزونين أغثني توكلت عليك يا ربي قضيت أمري إليك يا رزاق يا فتاح يا باسط وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर बजाइएगा।